वेलकम टू माई चैनल होम मेकर सिंपल लाइफ स्टाइल। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और कोरोना से सेफ होंगे। जैसा कि आपको मैंने बताया था और जो मेरा पिछला व्लॉग था वो उसमें देखा होगा आपने, हम स्टेशन पे थे और मैं मेरी मम्मी के घर आने वाली थी, तो मैं कल पहुंच गई थी और आज फ्री हूँ थोड़ी, तो व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने थोड़ा बहुत। और बहुत दिन के बाद आते हैं ना तो थोड़ा मुश्किल रहता है रिकॉर्डिंग वगैरह करना, बातचीत में ही पूरा टाइम निकल जाता है तो भूल जाती हूँ, तो ध्यान नहीं रहता है। तो बस ये व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ और आपकी आपको बता देती हूँ कि मैं जो है ना, हम लोग कल वापस भी जा रहे हैं रात को, तो 3 दिन के लिए आए थे और अभी कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह करूँगी और व्लॉग में आ जाएगा, आपको पता चल पे आए। घर हमारा नीचे है और अभी छत पे आई हूँ और फिर अब मैं जाऊँगी। हमने ब्रेकफास्ट तो कर लिया था और अब मैं जाऊँगी नीचे और हमको कहीं जाना है, हमारे जो दूसरे रिलेटिव्स वगैरह हैं, मेरे इन लॉज वगैरह हैं, जो उनके यहाँ इन लॉज मीन्स एग्जैक्ट इन लॉज नहीं रहते यहाँ पे, देवर मेरे जेठ जेठानी हैं और बहुत सारे हैं रिलेशन वाले, पर जिनके यहाँ जा सकेंगे उनके यहाँ ही जाएंगे, तो मैं व्लॉगिंग करूँगी। और बस आपको अगर ज़रा सा भी अच्छा लगे वीडियो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो अब मैं यहाँ नीचे आ गई थी किचन में और ये हमारा मेरी मम्मी का किचन है और अब मैं यहाँ पे अपना जो लंच है ना उसके प्रिपरेशंस कर रही हूँ। और लंच में तो मैं चावल को फ्राई कर रही हूँ, रात को हमने राइस बनाया था तो उसे मैं फ्राई कर रही थी और उसके साथ में है बैंगन का भरता और जो पूरी है वो मम्मी ने बना दी थी क्योंकि सुबह भी हमने नाश्ता किया था पूरी का और अभी भी लंच में भी पूरी थी, तो और यही मेन्यू था। और मेरे हस्बैंड जो है वो पूरी और तला हुआ कुछ कम खाते हैं तो उनके लिए मैं बाजरे की रोटी बना दूँगी, तो बस यही है आज का लंच। और मम्मी को भी कभी कभी रेस्ट दे देना चाहिए, वो भी पूरे दिन काम करती रहती हैं और हमारी एक शॉप है वो शॉप भी संभालती हैं, पापा को भी संभाल रही हैं, तो कभी कभी रेस्ट देना बनता है। जब मैं जाती हूँ तो मैं ट्राई करती हूँ कि मोस्ट ऑफ टाइम मैं ही कुकिंग वगैरह करूँ, काम मैं संभाल लूँ, तो उससे क्या होगा मम्मी को एक दो दिन रेस्ट मिल जाएगा। तो बस यहाँ पे मैंने एक साथ दोनों ही काम कर रही हूँ, एक साइड में मैं ये भरते के लिए प्याज और लहसुन वगैरह डाल दिए और एक साइड में मटर और प्याज और लहसुन डाल दी है मैंने राइस को फ्राई करने के लिए। सब मसाला हो चुका है तो मैंने डाल दिया है इसमें बैंगन का भरता, भरता मीन्स जो बैंगन मैंने सेक के रखे थे ना उसको मैश कर लिया है तो वो डाल दिया है और साइड में जो चावल थे वो भी मैंने ऐड कर दिए थे और उनको मिक्स कर लिया था। और यहाँ पे मैं टमाटर को सेक रही हूँ क्योंकि भरते में मैं टमाटर डालना भूल गई थी, तो अब उसका ये था कि मैं टमाटर को सेक लूँगी अच्छे से, खूब अच्छे से, तो वो पक जाएगा अंदर से, फिर उसको पील करके और उसको ऐसे ही मैं मिक्स कर दूँगी भरते में। जल्दी जल्दी मैं भूल गई थी तो फिर कुछ तो करना पड़ेगा, तो ये एक ट्रिक थी मेरी कि मैं इसमें डाल दूँ टमाटर को सेक के। तो बस यहाँ पे मोस्ट ऑफ जो मेरा लंच है वो रेडी हो चुका है और यहाँ पे मैंने बाजरे की जो रोटी है वो भी बनानी स्टार्ट कर दी है और सब अपना अपना लंच ले जाएंगे, भरता और जो भी बना है। और रोटी मैं जो है वो गरम बना रही हूँ हस्बैंड के लिए, तो वो भी खा लेंगे। यहाँ सब खाने बैठ गए हैं और वर्तु यहाँ पे खाते खाते सो गई थी, नींद में थी, यहाँ के पता नहीं क्यों वो इतना थक जाती थी कि उसको सुलाना ही नहीं पड़ता था, वो खुद से सो रही थी।
और काफी देर तक सो रही थी। पता नहीं, या तो फिर यहाँ पे खेलने की बहुत सारी जगह है ना, इसलिए वो पूरे दिन यहाँ से वहाँ घूम घूम के थक रही थी, इसलिए वो जल्दी सो जा रही थी। अभी खुद से ही खा रही है वो, और थोड़ी देर में ही खाते खाते वो मेरी गोदी में ही सो गई, और मैं भी यहाँ पे आ गई हूँ अपना लंच लेने। यहाँ पे खाना वाना खा के एकदम फ्री होके मैं बैठी थी, और यहाँ पे दिख नहीं रहे कैमरे में, पर वर्तू जो थी ना वो मेरी गोदी में बैठी थी, तो मैं उसको सुला रही थी ऐसे। उसको थोड़ा थोड़ा टैप करके ही सुलाना पड़ता है, तो अब उसको मैंने दे दिया इनको, और अंदर सुला देंगे, और फिर मैं थोड़ी देर और गपशप करूँगी, फिर मैं भी आराम करूँगी। यहाँ पे अब हम निकल चुके हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना मुझे किसी रिलेटिव्स के घर पे जाना है तो उसके लिए, और यहाँ पे मैं बात कर रही थी पर हवा की वजह से आवाज़ बराबर रिकॉर्ड नहीं हुई है, इसलिए मेरे को ये वॉइस ओवर ही करना पड़ रहा है। और मैं यहाँ बता रही थी कि हम निकल चुके हैं, और ये वर्तू को दिखा रही थी मैम, एक्टिवा पे निकले थे, और बस यहाँ पे एक्सप्लोर कर रही थी। काफ़ी कुछ चेंजेस हो चुके हैं, रोड वगैरह बन गए, और पहले भी डेवलप तो था ही, पर ये जो एरिया है ना जहाँ मैं रहती हूँ वो कम डेवलप था, और डेवलप हो रहा था तो पूरा हो चुका है, रोड्स तो काफ़ी अच्छे बन चुके हैं। तो बस वही रिकॉर्ड कर रही थी, अब आप भी देखिए मेरा गांधीधाम कैसा है। यहाँ पे मैं अपने रिलेटिव्स जिनके घर में आई थी उनके यहाँ पहुँच चुके थे, और मैंने ज़्यादा वहाँ की रिकॉर्डिंग नहीं ली है, क्योंकि हम किसी के घर जाते हैं कोई कैमरा फ्रेंडली होता है या नहीं होता है, इसलिए खाली वर्तू डांस कर रही थी ना, तो इसी का ही वीडियो मैंने लिया था। तो बस ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे मेरे अगले व्लॉग में जो कि बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। टिल देन टेक केयर, बाय।